जय माता दी। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी के ऊपर भी हमें बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पंडित जी हमारी कुंडली देख के बताइए हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी है या नहीं है। सरकारी नौकरी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि सरकार के घर से धन कमाने के योग अगर कुंडली में बने हुए हैं तो इंसान की सरकारी नौकरी जरूर लगेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में लगे। अब जन्म कुंडली में अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सूर्य देव अगर जन्म कुंडली में बहुत शुभ होकर के बैठे हैं, बहुत अच्छे घरों में बैठे हैं, उच्च घर के अंदर जाकर के बैठे हैं, तो इंसान के सरकार के घर से धन कमाने के योग बहुत अच्छे बनते हैं। मान लीजिए सूर्यदेव लगन के अंदर बैठे हैं या मेष राशि में किसी अच्छे घर के अंदर जाकर के बैठे, अपने मित्र के घर में बैठे हैं, ना तो उनके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ना ही वो किसी भी तरह से पापी ग्रहों के साथ संबंध उनका बन रहा है जिसके कारण वो खराब हो। अगर इस तरह के योग नहीं बन रहे तो जरूर ऐसा इंसान अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगा, ट्राई करेगा, तो सरकारी नौकरी के योग अच्छे होंगे। लेकिन ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, जब वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है उस समय में किसी खराब ग्रह की दशा तो नहीं चल रही। अगर सूर्य की ही दशा है तो बहुत अच्छी योग बनाता है कि वाकई में ही सूर्य अच्छा है और सूर्य की ही दशा है या अंतर दशा है, ये अगर आ जाए तो बिल्कुल सरकारी नौकरी के योग बनाता है। अगर जन्म कुंडली में मंगलदेव छठे घर में हो तो कहते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हुआ हो वो हमेशा शुभ होगा, यानी कि उच्च का होगा। या केतुदेव लगन के अंदर आ जाए तब भी कहा जाता है कि सूर्यदेव उच्च का होगा, बहुत ज़्यादा शुभ होगा। अब ये तो योग है सरकारी नौकरी के, इन लोगों की तो सरकारी नौकरी आराम से लग जाएगी। लेकिन हमने कई बार ये भी देखा है सूर्यदेव नीच के बैठे होते हैं, तुला राशि के बैठे होते हैं, सातवें घर में नीच के बैठे होते हैं, या शनि के साथ जाकर के बैठ जाते हैं, राहु की दृष्टि भी होती है, यानी कि हमें कुंडली देख करके लगता है कि नहीं ये सूर्य बहुत ज़्यादा खराबी पर है, फिर भी ऐसे लोग सरकारी नौकरी पर होते हैं। अब ये रीज़न होता क्यों है, किस किस तरह से ये योग बनते हैं कि सूर्य जन्म कुंडली में खराब दिख रहा होता है लेकिन फिर भी इंसान सरकारी नौकरी पे होता है। तो ये योग ऐसे योग बनते हैं कि अगर सूर्य का संबंध मान लो शनि के साथ है और ऐसा इंसान अगर शराब मांस का सेवन नहीं कर रहा और अपना चाल चलन भी अच्छा बना करके रख रहा है तो तब भी हम शनि और सूर्य के योग को अगर कंट्रोल कर कर के चलते हैं, या ये योग बहुत ज़्यादा खराब घरों में नहीं बैठा, मान लो दूसरे घर में बैठा हुआ है या किसी और ठीक ठाक घरों में बैठा हुआ है, मान लो नौवें घर में बैठा है जिसमें दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करते, तो और साथ ही इन ग्रहों का संबंध आठवें और बारहवें घर के साथ नहीं बन रहा और साथ ही जन्म कुंडली में छठे घर का संबंध दसवें घर के साथ बन रहा है, तब भी सरकारी नौकरी लग जाती है। तो इसलिए सरकारी नौकरी लगने के लिए सूर्य को देखना बहुत जरूरी है। छठे घर का संबंध यानी कि हमारा करियर का घर भी छठा घर माना गया है, उसका घर उसका संबंध अगर दसवें घर के साथ बन रहा है और उस ग्रह की महादशा चल रही है और साथ ही इंसान की नौकरी उस टाइम में लगने के बहुत अच्छे योग होते हैं जिसमें बहुत अच्छी उनकी सरकारी नौकरी चलती है। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में भी सरकारी नौकरी के योग कमज़ोर है या बहुत बार ट्राई कर चुके हैं सरकारी नौकरी नहीं लग रही, उसके लिए मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ, वो उपाय कीजिए। साथ ही अपनी जन्म कुंडली दिखवा करके ये जरूर जानिए कि आपकी कुंडली में कौन सा सरकारी नौकरी का योग खराब है जिससे रुकावटें आ रही है। तो उपाय क्या करना है, ऐसे लोगों को शराब मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने पिता के हर रोज़ सुबह उठ करके पांव हाथ जरूर लगा करके उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, उनके आगे बहस नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ों का ध्यान रखिए। और 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ और 400 ग्राम गेहूं इनको लेकर के सर से 7 बार उतार के चलती हुई नदी में जल प्रवाहित कर दीजिए, आपकी सरकारी नौकरी के योग बहुत अच्छे बन जाएंगे। मात्र ये उपाय कीजिए, सरकारी नौकरी के योग बिल्कुल बनेंगे।
इसी तरह से हम और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।